Hello students, this is Neeraj Gupta. In the previous video, we were discussing about one of the land reforms, and that is abolition of intermediaries, or you can say abolition of zamindari system. In this video, we'll discuss about land ceiling. Actually, agar aap Google karein, obviously aapke syllabus mein nahi hai, bas brief mein hum discuss karein, taki hamari understanding better ho. जब हम गूगल करते हैं तो हम पाते हैं कि लैंड सीलिंग का मतलब ये था कि एकड़ फिक्स कर दिए गए और ये हर स्टेट के डिफरेंट थे. ऐसा नहीं था कि पूरी इंडिया में एक सेम फिक्स कर दिया, भाई 10 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होगी. कहीं 25 एकड़ थी, मैंने ऐसा गूगल किया, कहीं अलग लिमिट्स थी, कुछ एग्जेम्पशंस भी थी. अब सोच के देखो गवर्नमेंट की सोच क्या थी, पहले मैं वो क्लियर करता हूँ आपको. गवर्नमेंट की सोच ये थी कि भाई एक लिमिट फिक्स कर दो, एक आदमी के पास इतनी जमीन होगी और उसके ऊपर की जमीन उससे ले ली जाए, उसको कुछ कंपेंसेशन दे दिया जाए. मेरे ख्याल से शायद ये भी बुक में शायद जरूरी नहीं समझा हमारे सर ने, और मे बी जरूरी नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए जरूरी, क्योंकि मेरा दिमाग जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा लैंड सीलिंग को, तो फिर मेरे दिमाग में उस समय ये बात आई थी कि भाई जमीनें ऐसे कैसे सरकार ले लेगी किसी की. गवर्नमेंट ने माना आज बोल दिया कि भाई सबके पास जो है वो इतनी ही जमीन होनी चाहिए कुछ भी, और उसके ऊपर की जिसके पास भी जमीन है वो गवर्नमेंट उसे वापस ले दे, तो ऐसे कैसे होगा. तो बेसिकली उस समय गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे ज़मीनें ले ली जाएँ और जिनके पास नहीं है उनको दे दी जाए, तो उससे कुछ तो इक्विटी होगी ना समाज में. दैट वॉज द सिस्टम. बट उन्होंने अपनी ज़मीनें जाने नहीं दी. प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो लैंड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जो मैंने पिछली वीडियो में बताया वो फिर भी कुछ हद तक सक्सेसफुल था. लैंड सीलिंग तो मोस्टली जो मेरी गूगल की रिसर्च कहती है मोर और लेस ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी. जैसे मैंने पढ़ा उसके हिसाब से सपोज अगर 10 लाख हेक्टेयर जमीन लेनी थी तो करीब 30-40% ही गवर्नमेंट ले पाई उसको. किसी किसी स्टेट में तो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं. किसी किसी स्टेट में ठीक से सक्सेसफुल हुआ, ज़्यादातर में कोई खास सक्सेस नहीं मिली. अच्छा हुआ क्या, इसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इन्होंने एक इंडिविजुअल के हिसाब से सीलिंग लगा दी. जैसे सपोज मैं नीरज गुप्ता हूँ, इन्होंने कहा भाई नीरज गुप्ता के पास 25 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होगी. ठीक है, अब माना जाए मेरे पास है 500 एकड़. अब मैंने क्या किया कि अपने घर के 20 लोगों को पकड़ लिया, इवन जो छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा हुए, पहले तो वैसे ही घर में ज्यादा लोग होते थे, और नहीं तो चलो भाई मुसेरा भाई चचेरा भाई ऐसे तो सबके खानदान में 400 लोग तो होते ही हैं, सबके नाम में जमीनें करा दी. और एकदम यह भी नहीं है कि जैसे मोदी जी फरमान करते ना 8 बजे आके रात के 12 बजे से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. टाइम दे दिया जी इतने दिन के बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इन द मीनवाइल देयर वाज अ गैप. फटाफट उन्होंने दूसरों के नाम पर जमीनें कर ली और मोर और लेस लैंड सीलिंग से ज्यादातर लोग बची गए. लूप होल्स दुनिया भर के थे, एग्जेम्पशंस दुनिया भर की थी, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज को ब्राइब किया गया, पेपर्स को मॉडिफाई कर दिया गया, बहुत कुछ किया. लैंड सीलिंग वॉज नॉट दैट ए ग्रेट सक्सेस. है ये तो मैंने जस्ट 2 मिनट लगा के आपको एक आइडिया दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द लैंड सीलिंग वॉज एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्ड. सो अभी अगर हम बुकिश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कैन बी ओन बाय एन इंडिविजुअल. भाई एक आदमी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी. बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, जो भी लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर दी, मैंने कहा जैसे सपोज 25 एकड़ है ना, देन ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू लैंडलेस लेबर. मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ. अगर इसके ऊपर जाएगी तो गवर्नमेंट ले लेगी एंड अलॉट किसको कर देगी, लैंडलेस कल्टीवेटर एंड स्मॉल फार्मर्स, उनको ये जमीन दे दी जाएगी. करो. द पर्पज ऑफ द लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड्स. गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कुछ ही लोगों के पास हो. नेचुरली इट हेल्प्ड टू प्रमोट इक्विटी. गवर्नमेंट का वन ऑफ द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स था इक्विटी. मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था, राइट, ग्रोथ था सबसे पहला, एंड इक्विटी भी था. तो ये इक्विटी को लेकर ही बार बार चल रहे हैं. बट इट वॉज चैलेंज्ड बाय द लैंडलॉर्ड. सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग, डेफिनेटली जाना ही था ऐसे मामले में, इतने आराम से तो कोई अपनी जमीन दे नहीं देगा. सो इट वॉज चैलेंज्ड, इट वॉज प्रॉपरली चैलेंज्ड बाय द लैंडलॉर्ड. दे डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. हर चीज जो उनके बस चला, कोई भी, मैंने जैसा कहा अपनी जमीन जाने नहीं देना चाहता था. गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही थी लेकिन कोई भी आदमी अपनी वो कंपनसेशन माना मुझे चाहिए ही नहीं, मैं अपनी जमीन जो इतने पुरखों की जमीन है. कुछ लोग तो मेरे ख्याल से मस्त भी इमोशनल सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए होते हैं जमीन के साथ, तो इतने आराम से कोई देता नहीं. एंड दिस डिले द टाइम वॉज यूज टू गेट द लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स.
अब मैंने जैसे कहा कि रिलेटिव्स की तो कोई कमी होती ही नहीं है, आपने देखा होगा कि शादी में 500 लोग तो होते ही हैं, तो 500 तो हर एक के घर में, तो अगर आप 25 एकड़ क्या एक एकड़ की भी लिमिट लगा दोगे तो बंदा 500 लोगों में जमीन की रजिस्ट्री करा देगा। तो इट वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल। लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज गवर्नमेंट्स ऑफ दीज स्टेट्स वर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो अगर आपसे फिर भी पूछा जाए कि भाई कहीं सक्सेस हुआ, नीरज गुप्ता सर ने भी बोल दिया कि भाई ये तो फेल है, तो केरला और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट्स जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी इस पर, तो वहाँ ये कुछ सक्सेस हुआ। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिडंट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड इनइक्वालिटी इन द लैंड होल्डिंग्स कंटिन्यूड। फिर मेरे मन में आया कि गूगल पर जाके देखा जाए भाई कुछ तो इसका हुआ होगा, फायदा भी, तो उसमें लिखा हुआ था एक आर्टिकल में कि यस फायदा हुआ। सोच सकते हो आप क्या फायदा हुआ, जब मैं कह रहा हूँ मोस्टली लोगों ने तो अपनी जमीनें इधर उधर बांटी थी, फिर क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि माइंडसेट चेंज हो गया। पहले जो अमीर लोग थे वो जमीन खरीदते जाते थे, खरीदते जाते थे, खरीदते जाते थे, और अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वो लैंड की फॉर्म्स में कर रहे थे। लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया था कि अगर जरूरत से ज़्यादा लैंड खरीदेंगे तो एक दिन शायद गवर्नमेंट उनसे उनकी जमीन जो है वो छीन सकती है। ठीक है, अभी उन्होंने कुछ चालाकी करके, लूपहोल करके, केस करके, बेईमानी करके बचा ली। अच्छा, बचाने में भी क्या होता है, पूरी तरह से बची नहीं होगी। गवर्नमेंट चाहती थी ना लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो, आपको भी पता है रिश्तेदार कैसे होते हैं, यू नो, तो वो रिश्तेदारों में जो बटी होगी वो भी कहीं ना कहीं फिर वो बटी गई होगी, वो गई है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एक ही हाथ में ना हो, वो कुछ हद तक तो अचीव गवर्नमेंट ने फिर भी इनडायरेक्टली कर लिया। और दूसरा, जैसे माइंडसेट की मैं बात कर रहा था, वापस उसी पे आ रहा हूँ कि जब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई गवर्नमेंट आज नहीं तो कल ज़मीनें हमसे छीन सकती है, तो उन्होंने बजाय मोर एग्रीकल्चरल लैंड्स परचेज करने के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। यानी जो ज़मीनें उनके पास थी, अब उन्होंने सोचा कि बेटर क्या है कि ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा ज़मीनें खरीदने के बजाय जो ज़मीनें हैं इसी से ज़्यादा कमाए जाए। सो दिस आल्सो यू नो टू सम एक्सटेंट रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एज सच मैं बोलूं कि लैंड सीलिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गया, ऐसा नहीं। एक तो अभी हमने पढ़ा कि वेस्ट बंगाल और कौन सा था दूसरा, वेस्ट बंगाल और केरल, कहां गया, यस केरला एंड वेस्ट बंगाल, यहां दो जगह तो फायदा हुआ ही हुआ। यहां पर तो गवर्नमेंट्स कमिटेड थी, उन्होंने इंप्लीमेंट भी करा इसको काफी हद तक, और बाकी जगह भी एक जो फियर फैक्टर था वो बड़े लैंडलॉर्ड्स के दिमाग में ले आया, उससे उन्होंने ज्यादा जमीनों पर इन्वेस्ट करने के बजाय उन्हीं लैंड्स पर अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इंप्रूव करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू हुआ। सो वी कैन से टू सम एक्सटेंट लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज तो मोर ऑर लेस दैट वे तो सक्सेसफुल हो ही गया था, कम से कम। ठीक है, कुछ उन्होंने जमीनें फिर भी हथिया ली, लेकिन तब भी कम से कम गवर्नमेंट से तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो ही गए थे, और यहां पर भी लैंड सीलिंग भी कुछ हद तक काम करी। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट ग्रीन रिवोल्यूशन। थैंक यू।